अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। श्री राधा माधव सेवाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन 18 से 26 नवंबर तक D15 पार्क सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली में किया जा रहा है। श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ विशाल शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा द्वारा किया गया। प्रति वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और पहली बार भगवान राम ने एक ऐसा अपना खेल दिखाया कि श्री राम जन्मभूमि वो आजाद हुई पूर्णतः। और हमारे ठाकुर जी महाराज को पहले ही इस बात का पता था, उन्होंने पहले ही फरमा दिया कि अब की बार भागवत नहीं श्री राम कथा करेंगे। और श्री राम कथा भी कब करेंगे, जब बिल्कुल कोर्ट का आदेश आ जाएगा। पूरे देश के लोग, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई, जब सारे मन से वचन से काया से स्वीकार कर चुके कि प्रभु श्री राम की वो जन्मभूमि है और वहां पर भव्य मंदिर बने, और हम वो सौभाग्यशाली इंसान हैं, कोर्ट की ये रोक थी, कोई भी व्यक्ति इस फैसले से न तो नाराज होकर के कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और न ही खुश होकर के कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। और वो रोक 17 तारीख तक की थी और आज वो रोक पूर्ण हो गई है और आज हम भगवान श्री राम जन्मभूमि को पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए और श्री राम मंदिर पूरे भव्यता के साथ मंदिर बने, आज से हम भारत में नहीं दुनिया के अंदर हमारी संस्था और हम पहले श्री राम भक्त हैं जो भगवान राम की मंदिर बनने की भव्यता को और चार चांद लगाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, प्रभु राम का गुणानुवाद करेंगे। जय श्री राम। आज हमारे श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है और ये राम कथा हमारे मंदिर का फैसला आने के बाद पहली राम कथा हमारे संजीव कृष्ण ठाकुर जी के तरफ से आयोजन हो रहा है और इसमें हमारा विशाल आज रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जय श्री राम। ये रोहिणी वासियों के लिए बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे रोहिणी में हर साल ये भागवत कथा का आयोजन हर साल होता था और इस बार श्री राम की कृपा से, क्योंकि पूरे विश्व में राममय माहौल होने जा रहा है, श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए भी माननीय भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी मंदिर का ऑर्डर कर दिया है, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि सारे देश में श्री राममय माहौल हो गया है और हमें बड़ी खुशी है कि हर साल ये सेक्टर 3 वासियों के लिए खुशी का विषय है कि हर साल हमारे को ये भागवत कथा और श्री राम कथा करने और सुनने का मौका मिलता है। और श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी ये कथा पिछले 14 साल से रोहिणी में कर रहे हैं और ये कथा हमारे समर्पण गौशाला में करीबन 550 गाय हैं जो कि नीम गांव में हमारी गौशाला समर्पण गौशाला के नाम से, और उसके लिए ये कथा होती है और ये कथा 18 से 26 आस्था में लाइव रहेगी। जो लोग यहाँ आ सकते हैं बहुत खुशी की बात है, जो नहीं आ सकते हैं वो आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को घर में बैठ के सुन सकते हैं। जय श्री राम। दोनों राम कथा भी चलती है, भगवत कथा भी चलती है, पर इस टाइम राम का जोश ज्यादा है क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा खुशी है और हम भी उसी में लगे हुए हैं और हमारा पूरा परिवार। राम कथा में ये है कि हमारा जो अयोध्या मंदिर में आया है उसके बाद हमारा पहले ये राम कथा का ही प्रयोजन है। बड़ी भव्य शोभा यात्रा करेंगे जिसमें सारा राम भक्ति होंगे और सारा पूरा रास्ता पूरी कलश यात्रा पूरा 10 दिन तक पूरे ये अयोध्या नगरी ही बनेगा, क्योंकि सबके मन में एक लालसा थी, मन में इच्छा थी और कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें, मंदिर बने। वो मंदिर का जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दे दिया, तो इससे सभी खुश हैं टोटल समाज। मेरा नाम सुनील मित्तल है, हम गुरु जी से 15 साल से जुड़े हुए हैं और उनकी कृपा का प्रताप इतना है हमारे सब काम सिद्ध हो रहे हैं। हाँ भगवान ही भगवान। ये अयोध्या मंदिर के बाद पहली राम कथा रोहिणी होने जा रही है और ये जो है मोदी साहब की मेहरबानी है जिसके कारण ये जो है कथा होने जा रही है, श्रीराम कथा पहली बार होने के अंदर।
ये यहाँ से जाएगी जिम वाले पार्क, वहाँ से युवा शक्ति रोड से होके फिर कथा स्थल तक जाएगी। कथा होने जा रही है, कब तक चलेगी कथा? 18 तारीख से शुरू होगी, सोमवार से 10 दिन चलेगी। 10 दिन के लिए समाज के अंदर एक मतलब बहुत खुशहाल माहौल हो रखा अब जो मंदिर के बारे में हुआ है, अपना राम मंदिर का जो मंदिर का जो आया है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। और इस उत्साह को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम मनवाया है कि एक मतलब जो है राम भगवान रामचंद्र जी का यहाँ एक कथा की जाए ताकि लोगों को मतलब अच्छा संदेश जाए। बहुत विशाल राम कथा होने जा रही है रोहिणी सेक्टर 3 में, जो पिछले 2 महीने से बहुत अच्छा इंतजाम किया जा रहा है, बहुत विशाल है, लगभग 800 प्लस से उठ रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छे उसको भी की जा रही है। आप सभी से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा आकर भगवान के दर्शन करें, भाव के कथा में आनंद लें। ये बहुत ही भगवान साक्षात राम नीचे उतर के आते हैं और भगवान राम की ही महिमा है, उन्हीं का गुणगान संजीव ठाकुर जी करते हैं। ये हर साल हम यहाँ करवाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है, हमारे मन को तन को बहुत शांति मिलती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। और मैं तो कहता हूँ रोहिणी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान का नाम रोज चर्चा में रहता है, कभी श्याम बाबा के कीर्तन हो रहा है, कभी राम कथा हो रही है, कभी भागवत हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान के नाम के प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान ऐसी जगह सबको करे। बहुत ही सुंदर आयोजन है और ये माननीय बात है कि जो 9 तारीख को जो एक बहुत ही सुंदर निर्णय आया था राम मंदिर के ऊपर, ये मानो कि पहली कथा हो रही है रोहिणी के अंदर राम कथा, और कथा करने वाले हमारे आचार्य संजीव ठाकुर जी हैं वृंदावन वाले। मैं तो कहूंगा कि जितने भी जहाँ जहाँ लोग इसको सुनने चले जाते हैं, आप सब आए कथा सुने, इसका समय करें, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिलता है, इसलिए मेरे को ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों का भी धन्यवाद, आप भी इस हमारी कथा को और हमारे इस समारोह को पूरा पूरी तरह से अपने कैमरे में कैप्चर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। आए यहाँ पर धन्यवाद। राम कथा है, आप लोग हाँ जी, क्या करने वाले हो? हम कलश उठाने वाले हैं और पिछले साल भी हमने कलश उठाया था, इस बार भी हम कलश उठा रहे हैं, हमें कलश उठाना अच्छा लगता है। कितने कलश हैं जो लेकर चलेंगे? 751 751 हाँ जी। और कहाँ से कहाँ तक चलेंगे आप लोग? यहाँ से सेक्टर 2 जाएंगे, सेक्टर 2 से वापस पूरा चक्कर लगा के रोहिणी का फिर वापस आएंगे। पहली बार आ रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है, तो नहीं लंबा चलना पड़ेगा? अभी कुछ पता ही नहीं है, घबराहट तो तब होता है जब पता हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी आए हुए हैं, पहले भी उठाया हुआ है, लग जाता है 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। नहीं नहीं, बाबा काम खराब नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि दर्द हो रहा है, भगवान के नाम के लिए जा रहे हैं, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब ईश्वर हरे कृष्णा। अच्छी आती है, भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है और मतलब लगता है कि और तेज ये 1.5 घंटे का हम तो सोचते 4-5 घंटे, क्योंकि जब हम परिक्रमा करते ना गोवर्धन की, उसमें भी दर्द नहीं होता, तो ये तो कुछ छोटी सी है परिक्रमा, बहुत अच्छा लगता है। ये रोहिणी मेला मंडल की प्रेसिडेंट मैं मीनू गुप्ता, और ये श्री राम कथा में हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे इन सभी भाइयों ने हमें भी अपनी बहनों को इस समय बहुत सेवा का मौका दिया, और मैं इन अपने सारे रोहिणी जितने भी हमारे भाई और बहन हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। मैं विभा गोयल और मैं रोहिणी महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट और सभ्यता क्लब से हूँ, और आज हम सब यहाँ पर राम कथा में आयोजन में हम शामिल हुए हैं और हम सब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगी कि जो भी इस कथा में शामिल नहीं भी हुआ वो भी दूर दूर से इस कथा में शामिल हो और अपने व्यास जी की शुभ वाणी का अपना सब आनंद उठाए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।